जय हिंद दोस्तों, भारत दस्तक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुजन समाज के बारे में बहुत सी खबरें मिलने वाली है। अगर आप लोग ये खबरें जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी कहीं पर स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों यहाँ पर बहुजन समाज के लिए जो सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है, मामला है लक्ष्मणगढ़ अलवर के थाना क्षेत्र टोडा गांव का, जहां पर देर रात गुरुवार को एक दलित समाज की बारात के ऊपर हमला कर दिया गया कुछ दबंगों के द्वारा। इस हमले में बारातियों के साथ मारपीट भी करी गई और दूल्हे को घोड़े से नीचे उतार दिया गया और उसके साथ भी मारपीट करी गई। मामले की सूचना मिलते ही बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स और अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस और अधिकारियों ने दूल्हे को फिर से घोड़े पर चढ़ाया और अपनी देख रेख में शादी संपन्न कराई और गांव में शांति बनाए रखने के लिए आरसी जवान तैनात किए गए। दोस्तों इस पूरे मामले में थाना प्रभारी अजीत सिंह का कहना है कि जैसे ही दलित समाज की बारात राजपूत मोहल्ले से गुजरने लगी, तभी कुछ राजपूत लोग अपने घर से निकले। इंदर सिंह, गर्जन सिंह, राजू सिंह, मुकेश सिंह, नाहर सिंह, भारत वह भू सिंह आदि अपने घरों से निकले और बारात के ऊपर जाति वादक शब्दों का उपयोग करने लगे और लाठी डंडे लेकर बारातियों से मारपीट करने लगे और दूल्हे को घोड़े से नीचे उतार दिया। उसके बाद राजपूत समाज के कुछ लोगों ने अपने घर से बारातियों के ऊपर पत्थर से हमला किया। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट होना शुरू हो गई। इसके चलते गांव में अफरा तफरी मच गई। इस मारपीट के चलते दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए। फिर बारातियों ने इस पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी। तो दोस्तों ये मामला था लक्ष्मणगढ़ अलवर के तोड़ा गांव का, जहां पर हमें इतना जातिवाद देखने को मिला कि कोई दलित व्यक्ति अगर घोड़े पे बैठ जाता है तो इन सवर्णों को वो भी हजम नहीं होता है। हमारी तरक्की इन्हें कहीं से कहीं तक पसंद नहीं है। ना ही ये लोग हमें घोड़े पे बैठते हुए देखना चाहते हैं, ना ही अच्छी नौकरी करते हुए देखना चाहते हैं और ना ही हमें अच्छे से जीते हुए देखना चाहते हैं। अब दोस्तों आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ये बताइए कि ऐसे मामलों में राजपूतों के ऊपर क्या पुलिस एक्शन लेगी, या फिर ये मामला भी उन मामलों की तरह ठंडा कर दिया जाएगा जो आज तक ठंडे होते हुए आए हैं, या पुलिस फाइलों में कहीं दब जाते हैं। तो दोस्तों दूसरी खबर आ रही बहुजन समाज के लिए, वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बयान सामने निकल कर आया था कि तेलंगाना की सरकार ने मुसलमानों को 12% आरक्षण देने का वादा किया है। तो इसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि दलितों का हक छीनकर मुसलमानों को देना यह संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान है। तो अब दोस्तों आप लोग मुझे ये बताइए कि केसीआर जी ने कौन सा एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण में से मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं। वो तो अलग से उनके लिए कोटा दे रहे हैं और अलग से उनको आरक्षण दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। अब दोस्तों मोदी जी के ऐसे बयानों से मुझे ऐसा लगता है कि अब इन्होंने हिंदू मुस्लिम छोड़ते हुए दलित मुस्लिम करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से हमारे देश में दलित मुस्लिम एकता बढ़ती जा रही है, जिस तरह से दलित और मुस्लिम भाई लोग एक साथ आ रहे हैं, तो यह सब बीजेपी और आरएसएस के लोगों को आंखों में खटक रहा है। मुझे तो ऐसा ही लगता है ऐसे बयानों से, और ये जो दलित और मुस्लिम एक साथ आ रहे हैं इनको तोड़ना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगली खबर जो निकल कर आ रही वो है बिहार से। दोस्तों आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले खबर दी थी कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने एनडीए को छोड़ दिया है। दोस्तों अब एक मामला निकल के सामने आया है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के 2 विधायक और 1 एमएलसी ने एनडीए में जाने का फैसला किया है उपेंद्र कुशवाहा जी को छोड़ते हुए। उन दोनों विधायक और एमएलसी का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा जी व्यक्तिगत और अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में एक दलित आंदोलन पनप रहा है। इस दलित आंदोलन की अगुवाई आईपीएस रैंक अधिकारी पीवी सुनील कुमार कर रहे हैं। उनके संगठन की मांग है कि दलितों के लिए अलग पंचायत बनाई जाए। इस आईपीएस अधिकारी ने सवाल उठाया है कि एससी एसटी उप योजना के तहत आया 2.8 लाख करोड़ रुपए पूरे साल में क्यों नहीं खर्च किए गए। आईपीएस अधिकारी पीवी सुनील कुमार ने अम्बेडकर इंडियन मिशन संगठन बनाया है। इस संगठन में लगभग 6 लाख से ज्यादा सदस्य जुड़ चुके हैं। आईपीएस पीवी सुनील कुमार लगातार रैलियां और बैठक कर रहे हैं। पिछले रविवार को उनकी बैठक में करीब 1 लाख लोग शामिल हुए थे। आईपीएस सुनील का संगठन दलितों के लिए 3000 अलग पंचायतों की मांग कर रहा है और वह कंपटीशन परीक्षाओं के लिए दलित छात्रों को कोचिंग भी देते हैं। सुनील जी का कहना है कि वह अनुसूचित जाति के आरक्षण को ए बी सी और डी श्रेणी में डालने के प्रस्ताव का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि उनके संगठन का कोई अपना हित नहीं है, वह अपने समुदाय के लिए लड़ाई कर रहे हैं। आईपीएस सुनील का कहना है कि वह कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वह पिछले 2 साल से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है बीएसपी की तरफ से और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे को लेकर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह फैसला किया है कि छत्तीसगढ़ के अंदर बीएसपी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का गठबंधन जारी रहेगा।
अब विधानसभा चुनाव के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव भी वो दोनों साथ मिलकर गठबंधन में लड़ेंगे। इस विधानसभा चुनाव में अजीत जोगी जी की पार्टी को 5 सीटें मिली थी और बीएसपी को 2 सीटें मिली थी। बहुजन समाज पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम ने यह बताया है कि हम लोगों ने दिल्ली में बैठक करके विधानसभा चुनाव की समीक्षा की। इसके बाद हम लोगों ने फैसला लिया है कि हम लोग 2019 का लोकसभा चुनाव अजीत जोगी जी की पार्टी के साथ गठबंधन करके ही छत्तीसगढ़ में लड़ेंगे। दोस्तों अब एक विशेष बात, मैंने आपको अपने चैनल पे कुछ दिन पहले एक न्यूज दिया था कि द ग्रेट लीडर कांशीराम मूवी यूट्यूब पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों वो मूवी अब रिलीज हो गई है, लेकिन मैंने आप लोग से कहा था कि वो मूवी अर्जुन सिंह फिल्म्स नामक चैनल पर रिलीज होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वो मूवी रिलीज हुई है हमारे भोजन समाज के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक के ऊपर। दोस्तों इस फिल्म के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी दिल्ली के लीला होटल में। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म को रिलीज किया गया, इसमें मौजूद थे मुख्य अतिथि भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुजीत सम्राट, माननीय डॉक्टर कौशल पवार जी जो कि जेएनयू के प्रोफेसर हैं, माननीय शंभु सिंह जी जो कि नेशनल दस्तक के चीफ एडिटर और एंकर हैं, माननीय डॉक्टर एम आर रेपुरिया जी जो कि इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर हैं, और माननीय राजू भारती जी जो कि सिंगर है और उन्होंने इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी गाया है। दोस्तों इस फिल्म का डायरेक्शन किया है अर्जुन सिंह जी ने। दोस्तों वह यह फिल्म 12 फरवरी को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में रिलीज कर चुके थे, लेकिन दोस्तों अब यह पूरी फिल्म नेशनल दस्तक पर रिलीज हो चुकी है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस फिल्म की लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाकर पूरी मूवी देख सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाइए और पूरी मूवी देखिए। द ग्रेट लीडर काशीराम मूवी के अंदर माननीय काशीराम के जीवन का संघर्ष दिखाया गया है। अगर आप लोग भी माननीय काशीराम के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, उनके संघर्ष के बारे में जानना चाहते हैं और वो संघर्ष देखना चाहते हैं, तो आप लोग फिल्म के माध्यम से देख सकते हैं। तो प्लीज जाइएगा और फिल्म को पूरा वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें बिना मत जाइएगा। आज की वीडियो का लाइक एम है 30 लाइक्स। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है और उसके ही बाजू में एक बेल आइकन है, उसे दबा के हमारे चैनल का परमानेंट मेंबर बन जाइए। हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।